हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि अभी देख लीजिए, मैं मध्य प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थल में आया हूं, जिसका नाम है अमरकंटक, जो कि मेकल पर्वत में है। और आज हम अपने ब्लॉग्स वीडियो में सारी चीज़ें कैप्चर करेंगे यहाँ की, अमरकंटक जो कि मुख्य पर्यटन स्थल है, जिसके बारे में हमने पहले बचपन में बुक में पढ़ा था। आज उस जगह पे मैं आया हूँ और सारी चीज़ें, जितनी भी जगह है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरे साथ आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस साइट पर नीचे बटन आ रही होगी सब्सक्राइब का, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि इतने धूप में मेहनत करके आए हैं माँ नर्मदा की धाम में, माँ नर्मदा की उद्गम स्थल में। तो वीडियो को अंत तक, शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करिए। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं माँ नर्मदा का उद्गम स्थल, और सारी चीज़ को कैप्चर करेंगे और अच्छे से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू। गाइज देख लीजिए, हमने जो है तो 25-25 रुपये का टिकट ले लिया और हम आ गए हैं प्राचीन मंदिर पे। तो प्राचीन मंदिर पे आप देख सकते हो, इधर बहुत सारी अच्छी अच्छी मंदिर है, और कितना सारा इधर एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है, ये पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ सारी चीज़ हम आ करके अभी आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए कैसा कैसा यहाँ पर है, गार्डनिंग बहुत अच्छा किया गया है। तो अभी हम देखते हैं, बहुत पुरान है गाइज, ये बहुत पुरानी है। और कहते हैं कि कोई यहाँ पे जो राजा है, वो राजा बनवाया है, कोई गोंड शासक था यहाँ पे, तो वो बनवाया है। और इतने हाइट पे हैं, देख लीजिए हम, ये जो है तो मेकल पर्वत में बना हुआ है, बहुत ऊंची चोटियों पर है ये। जब हम एक जगह है आपको और दिखाएंगे जा करके, जिसका नाम है सोनमुड़ा, वहाँ से आप हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो ये गार्डनिंग है, गार्डनिंग बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से किया गया है। और ये जो मेटल है, इसको देख, ये किस चीज़ का बना हुआ है, बहुत ही मजबूत जो है तो ये पत्थर है। करीब से दिखाओ, ये मजबूत पत्थर का है, पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा ये पुरानी है, पता नहीं कि कौन सी कितनी शताब्दी का बना हुआ है ये। तो चलिए हम आपको अच्छे से, गौर से आप लोगों को दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं पूरी तरह से। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आपको हम घुमाते हैं पूरी प्राचीन मंदिर। सकते हो ये जो है तो फ्रंट साइड है, जहाँ से हम लोग एंट्री किए हुए हैं। और ये सारी जो है तो यहाँ पे मंदिर आप देख पा रहे हो, ये देख सकते हैं, ये है प्राचीन मंदिर। और ये प्राचीन मंदिर बहुत पुरानी है, न जाने कि कितने वर्ष पुराने हैं। और यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है स्वच्छ स्मारक स्वच्छ भारत, यहाँ पे लिखाया हुआ है, ये देख सकते हो। बहुत ये जो बना हुआ है, बहुत पत्थर का बना हुआ है, बहुत पुरानी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। शिव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मच्छेद्रनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गार्डनिंग देख सकते हो आप लोग, यहाँ से बहुत ही अच्छा खूबसूरत जो देखने का जो नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हम लोग सीढ़िया से चढ़ेंगे अभी, ये सारी चीज़ें जो है तो पत्थर का बना हुआ है। ये मंदिर है, बहुत पुरानी पुरानी मंदिरें हैं, देख सकते हो आप, ये देखिए। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही पुरानी मंदिर है, यहाँ पे कोई राजा रहता था, इतना डिटेल में नहीं पता है, बट यहाँ पे कोई राजा रहता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनवाया हुआ है, कोई गोंड शासक, यहाँ पे जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि यहाँ रहता था वो, पूरा बहुत पुरानी जमाने की बात है।